कुंभ में पहली बार हमने चिलम छोड़ो अभियान चलाया। जोर से ताली बजाओ उन महात्माओं के लिए जिन्होंने छोड़ दिए और जो पी रहे अभी छोड़ देंगे। इससे बड़ा आनंद हुआ। चिलम छोड़ो अभियान है? चिलम की छुट्टी, लीव द चिलम, यू नो चिलम। ये हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स तो नहीं पीते है ना, अच्छा है, नहीं तो किसी साधु को देख करके ये भी पी और फिर वहां जाके बोले हम तो चिलम सीख के आए, गए काम से भाई। कोई हिंदुस्तान में आके किसी बाबा से चिलम पी जाए सिगार पी जाए यहाँ और फिर वहां जाके बोले हम चिलम सीख के आए, तो बट्टा लग गया भारत माता की इज्जत पर। यही बात मैंने साधु महात्माओं से कही, महाराज घर परिवार संसार सारी एक माया छोड़ दी, सारे आकर्षण छोड़ दिए, ये चिलम भी छोड़ दो महाराज, इससे ना अपना धर्म बदनाम होता है, अपना सन्यास बदनाम होता है, अपनी भारत माता बदनाम होता है। पहले तो मेरे को सबने डराया, बाबा चिलम के बारे में मत बोलो, ये चिलम वाले बाबा आप ही के पेट में चिमटा ठोक देंगे। मैंने कहा अपने बिरादरी के हैं, कोई बात नहीं जाएंगे। हमने कहा भाई तुम हमारी बिरादरी के हो, घर तो छोड़ दिया, अब तुम हमारे भाई बाप हो। तुम ये बताओ भाई, हमने साधु की इज्जत बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई दुनिया में? बोले हाँ जी बढ़ाई। लेकिन मैंने कहा जब तुम चिलम पीते हो तो इज्जत बढ़ती है कि घटती है? बोले जी घटती है। तो मैंने इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना? बोले छोड़ना चाहिए। तो कुछ ने तो तुरंत हिम्मत कर ली, तुलसीदास जैसो ने कुछ ने बोला, बाबा जी कुंभ कुंभ में पी लेने दे बताओ, इसके बाद छोड़ देंगे। बोले इससे सर्दी बहुत है कुंभ में, तो इससे गर्मी आ जाती है। मैंने कहा शिलाजीत खा लो, मैं भेज देता हूँ शिलाजीत, पतंजलि की बहुत ओरिजिनल है, शिलाजीत खा लो, च्यवनप्राश खा लो, उनको देखे भी आया मैं शिलाजीत च्यवनप्राश, शिलाजीत खाओ, कपाल भाती करो, पेट हिलाओ, इससे गर्मी पाओ। चिलम में कौन सी गर्मी है, उसमें तो बर्बादी है। फिर कल मैंने सबसे और भी बहुत कुछ छुड़ाया, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी के यहाँ सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने महाराज वहां भी नशा गुटखा तमाकू सब छोड़ दिया। और सुन लो रे कुंभ में नहाने वालों, कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, तो आज नहाते समय कुंभ में सब संकल्प करके जाना कि आज के बाद हम धूम्रपान नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, तभी भारत माता की इज्जत बचेगी। तो जो नहीं कर रहे ये कार्यक्रम वो तो अच्छे हैं। अच्छा बताओ सीताराम, सीताराम यहां रात भर जब चलता रहता है, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, लेकिन मात बन नहीं रही पूरी। सारे लोग यदि नशा छोड़ दे हिंदुस्तान के तो क्या लाभ होगा? सुनो, करीब 10 लाख करोड़ रुपए का लाभ हो जाएगा कम से कम। कितना? बीड़ी सिगरेट शराब तमाकू और ड्रग्स, इसमें करीब 8 से 10 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो जाता है। फिर बीमार होते हैं 8-10 लाख करोड़ रुपए, फिर दवाई में बर्बाद हो जाता है, पहले दारू फिर दवा, 15-20 लाख करोड़ तो इसी में खर्च हो रहा है और जीवन बर्बाद हो जाते हैं, घर परिवार बर्बाद हो जाते।